वीकेंड का तो वॉर होता ही है। आप जानते हैं कि एक तरफ आज ऋषभ पंत दिल्ली के कप्तान और उनके सामने उनके गुरु चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी की टीम, तो आमने सामने है आज गुरु चेला और साथ ही साथ नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुकाबला है। चेन्नई सुपर किंग्स जो इस टूर्नामेंट की सफलतम टीमों में से एक है, दिल्ली जो कभी जीता नहीं लेकिन पिछले साल का रनर अप था, और अगर आमने सामने देखें तो जाहिर तौर पर जो झुकाव है वो ज्यादा होता है चेन्नई की तरफ। उन्होंने ज्यादा मुकाबले जीते हैं बनस्पत दिल्ली के, लेकिन पिछले साल आप जानते हैं कि दिल्ली तो फाइनल में गया था। तो ये देखने वाली बात है कि आप पूरी आईपीएल के लिहाज से देख रहे हैं या फिर हालिया क्रिकेट देख रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरा आईपीएल देखते हैं तो 23 मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच हुए हैं, 15 जीते हैं चेन्नई ने और दिल्ली सिर्फ 8 बार जीता है। ये आमने सामने है। हालांकि दिल्ली को आज नुकसान होगा, वो नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पिछले 5 सीजन में आप देखें उसमें भी वर्चस्व चेन्नई का ही है। 7 मुकाबले वो जीते हैं और 4 दिल्ली ने जीते हैं, लेकिन दिल्ली की टीम असली क्रिकेट खेल रही है पिछले 2.5-3 साल से, यानी कि जो पिछले 3 आईपीएल हुए हैं वहां पर असली दिल्ली सामने दिखा है। लेकिन दिल्ली ने पिछले साल फाइनल में जगह बनाई थी, हालांकि फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार गए थे, और पिछले साल उन्होंने 17 मैच कुल मिलाकर खेले, 9 जीते 8 हारे, 9 जीते 8 हारने के बावजूद वो पहुंचे थे फाइनल में। और चेन्नई थोड़ा लेट स्टार्ट किया, धोनी की अगुवाई में टीम के पास सुरेश रैना नहीं थे, फिर हरभजन सिंह नहीं थे, लेकिन अंत में आखिर उन्होंने जीतना शुरू किया, 6 जीत थी 8 हार, लेकिन वो आखिरी 4 में जा नहीं पाए। आज दिल्ली को नुकसान है, जो दिल्ली के फैंस हैं उनको ये सुनकर थोड़ी सी परेशानी होगी कि उनके पास आज दोनों तेज गेंदबाज ना रबाडा होंगे ना ही नौकिया होंगे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, साथ ही साथ अक्षर पटेल जो कोविड से जूझ रहे थे वो भी नहीं है, तो 3 बड़े खिलाड़ी नहीं है, और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर वैसे ही बाहर हो चुके थे। तो ऐसे में अब चेन्नई के पास मौका है, अगर ये साल अच्छा करना है तो आज वो जीत से आगाज कर सकते हैं। और सुनील गावस्कर का ये मानना है, सनी भाई का ये मानना है कि इस साल चेन्नई की टीम में शायद आखिरी 4 में जाने का दम नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हुई, धोनी और सुरेश रैना ने बैटिंग कर दी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। उनके टीम में ज्यादा बदलाव तो आए नहीं है, एक आधा मतलब चेंज किया है उन्होंने, पर चेहरे तो बाकी तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही चेहरे हैं। एक दो जाने जैसे कि अनुभवी खिलाड़ी थे जैसे कि हरभजन सिंह, उनको उन्होंने छोड़ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इस बार उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा आखिरी 4 में आने के लिए। पिछली बार जब यूएई में टूर्नामेंट हुई थी तो पहली बार वो क्वालिफाई नहीं हुए थे प्ले ऑफ के लिए, और ये मुझे लगता है कि इस साल भी थोड़ा सा मुश्किल है। या तो महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना को बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, ऋतुराज गायकवाड़ को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, और फिर शार्दुल ठाकुर टैम करन जैसे जो युवा खिलाड़ी है जो पिछले कुछ एक साल में उन्होंने बड़ा प्रोग्रेस किया है अपने इंटरनेशनल करियर में, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो फिर कुछ हो सकता है, पर वैसे तो ऐसा लग रहा है कि ये टीम थोड़ी सी हल्की सी लगी। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।